वेलकम टू टेस्टी बाइट्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप साबूदाना लिया है और ये इस तरीके से देखिए खिला खिला हो गया है। मैंने सोक करने के बाद मैं इसका प्रोसेस आपको बता देती हूँ। आप साबूदाना ले लें और उसको पानी में भिगो के रख दें आधे से पौन घंटे के लिए कवर करके। उसके बाद आप उसको ड्रेन आउट कर लें और ड्रेन आउट करने के बाद आप वापस उसको कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए रख दें, तो आपका साबूदाना इस तरीके का हो जाएगा। तो हमारी खिचड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खिचड़ी बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप मूंगफली ली है, एक कप साबूदाना, तो एक कप मूंगफली ली है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पे हम तेल वेल कुछ भी नहीं डालेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मूंगफली हमारी ड्राई रोस्ट हो गई है, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हमने गैस पे वापस एक कढ़ाई रखी है, वो उसी कढ़ाई में हम बना रहे हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून घी। इसमें हम ऐड करेंगे करी लीव्स, चॉप ग्रीन चिली, 1 टीस्पून जीरा। अगर आप फास्ट में खा रहे हैं तो जीरा अवॉइड कर सकते हैं। तो क्रैकल होने देंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे बॉइल्ड पोटैटो, ये मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। और अब इसको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट। तो जब तक हमारे पोटैटोज फ्राई हो रहे हैं, ये जो मूंगफली है इसको मैं जार में डाल के एक दरदरा सा पाउडर बनाऊंगी। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पाउडर बनाना है हमको, इसको दरदरा रखेंगे। तो ये देखिए मूंगफली को मैंने इस तरीके से पीस लिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। और इसमें अब आलू में हम ऐड कर देंगे हमारा साबूदाना और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टीस्पून शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम हमारी मीडियम है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारा मूंगफली और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे पोमेग्रेनेट सीड्स। ये मैंने कुछ पोमेग्रेनेट सीड्स लिए हैं, इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ये देखिए कितनी खिली खिली खिचड़ी बन के तैयार हुई है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। तो तैयार है हमारी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी। आप इसमें टमाटोज भी डाल सकते हैं पर मैं नहीं डालती हूँ, ये बिना टमाटर के ही बहुत अच्छी बनती है। देखिए तो तैयार है हमारी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी साबूदाना खिचड़ी कैसी बनी। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।